दोस्तों मैं अभी चिंचौड़ में हूँ। यहाँ पे एक ऐसी एजेंसी है, एक ऐसी कंसल्टेंसी है जो कि फ्री में जॉब प्रोवाइड कराता है। मैं आप लोगों को सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि यहाँ पे आप कैसे आ सकते हो और क्या क्या प्रोसेस होता है। दोस्तों अगर मैं चाहूँ तो किसी से भी 2000 रुपये लेके 5000 रुपये लेके जॉब दिलवा सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें मैसेज करते रहते हैं कि भाई आप मेरा एक मंथ का सैलरी ले लेना या फिर जो भी चार्ज लेते हो आप ले लेना, लेकिन हमें जॉब दिलवा दो। लेकिन दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ, मैं इस चैनल पे जो भी वीडियो बनाया जाता है सारा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। मैं आप लोगों से 1 रुपया भी नहीं लेता हूँ और लाइफ में कभी लूँगा भी नहीं। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन और अच्छी जगह बताने वाला हूँ, जहाँ पे दोस्तों आपको एक ऐसी कंसल्टेंसी मिलेगा जो कि आपको फ्री में जॉब प्रोवाइड करेगा। तो मैं इस वीडियो में ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ, उस कंसल्टेंसी का नाम बताने वाला हूँ और उसका पूरा एड्रेस बताने वाला हूँ, उसका ऑफिस कहाँ पे है और आपको वो जॉब कैसे फ्री में प्रोवाइड कराता है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फिर से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी मतलब प्लेटफॉर्म लेके आया हूँ, जहाँ पे आप घर बैठे पार्ट टाइम के रूप में एक दिन के अंदर कम से कम 2000-3000 रुपये आराम से कमा सकते हो। दोस्तों अगर आप ये इस काम करना चाहते हो घर बैठे पार्ट टाइम वर्क के रूप में, दोस्तों आप मैं इंस्टाग्राम पे मैसेज करो कि पार्ट टाइम वर्क, तो दोस्तों मैं आप लोगों को वहाँ पे पूरा गाइडेंस देने वाला हूँ। दोस्तों आपको काम करने के लिए सिखाऊंगा, आपको मैं पूरा गाइडेंस दूंगा। तो चलिए आज के जॉब वैकेंसी के बारे में आपको कंसल्टेंसी के बारे में आपको पूरा जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों ये जो जॉब कंसल्टेंसी है इसका ऑफिस है पिंपरी, जो बस स्टैंड है यहाँ से लेकर उसका जो चिंचौड़ का रेलवे स्टेशन है उसके बीच इसका ऑफिस पड़ता है। वहाँ पे जो चिंचौड़ में पिंपरी में जो टाटा मोटर है उसके जस्ट अपोजिट साइड में उसका ऑफिस है। अभी जो आपने वीडियो का क्लिप देखा था, मैं कुछ दिन पहले वहाँ पे गया था, दो तीन दिन पहले वहाँ पे गया था, तो उन्होंने उससे सारा कुछ बात किया था, उन्होंने सारा कुछ हमें बताया था। वैसे तो जैसे ही कंसल्टेंसी गेट पर पढ़ा तो मैं सोचा अंदर जाऊँ उसे पता करूँ जॉब वैकेंसी के बारे में, तो उसे तो हमारा काम ही है जॉब सर्च करते रहना। तो मैं जब वहाँ पे गया था तो उससे सारा कुछ बात किया, वहाँ पे मैं बैठी हुई, तो मैंने उनसे पूछा कि जॉब प्रोवाइड कराने का आप 1 रुपया भी लेते हो क्या, कोई रुपया पे करना पड़ता है क्या? उन्हें बोला नहीं, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो दोस्तों नीचे आपको वहाँ पे वहाँ का एड्रेस वगैरह और वहाँ का नंबर भी दिख रहा होगा, मैं डाल दिया हूँ। तो दोस्तों आपको करना क्या है, वहाँ पे दोस्तों हर लोगों के लिए वैकेंसी रहता है, आप हेल्पर हो वहाँ उन लोगों के लिए वैकेंसी रहता है, और 10th pass 12th pass ऑफिस के लिए सिक्योरिटी गार्ड या फिर ITI डिप्लोमा CNC BMC ऑपरेटर मशीन, तो बहुत सारे लोगों का वहाँ पे वैकेंसी रहती है। वो जो उसका एजेंसी है दोस्तों उसका अलग अलग सुपरवाइजर होता है, वो सुपरवाइजर क्या करता है, कंपनी जाते रहता है, उसका बाइक वगैरह सब कुछ आता है, कंपनी जाता है और कोई भी रिक्वायरमेंट आता है तो वो वैसे तो जब 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 कंसल्टेंसी के ऑफिस में जाओगे तो आपको ऊपर में ही उसका टेम्पलेट दिख जाएगा, यहाँ पे 10 सिक्योरिटी गार्ड की आवश्यकता है या 20 हेल्पर की आवश्यकता है या फिर ITI डिप्लोमा की वैकेंसी है कि नहीं, वहाँ पे उसका लिखा रहता है और सेंड रिज्यूम करके उसका मेल आईडी भी लिखा रहता है जब उसके ऑफिस पे जाओगे। तो वैसे तो मैं दोस्तों पूरा एड्रेस वहाँ पे वहाँ का डाल दूंगा। कंसल्टेंसी का नाम है दोस्तों शार्प कंसल्टेंसी सर्विस, ये दोस्तों आपको 1 रुपया भी आपसे नहीं लेती है और फ्री में आपको सारा कुछ प्रोवाइड कराता है। मैं वहाँ पे गया था एक दो बार पहले भी मैं वहाँ पे गया था, मैं बहुत सारा चीज़ उनसे पूछा था, तो मैं बोला था ऐसा नहीं है कि आप शुरू में बुलाओ और बोलो कि बाद में बोलो पैसा दो, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने उससे सारा कुछ बात भी किया था। तो अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो दोस्तों ये चिंचौड़ में है, इसका एड्रेस तो मैं दे ही दूंगा और दोस्तों वहाँ का नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप वहाँ पे कॉल कर सको। दोस्तों ऐसा नहीं कि अभी वहाँ पे वैकेंसी चल रही है, हो सकता है आपने ITI किया हो, वहाँ पे हेल्पर की वैकेंसी चल रही हो, आपने डिप्लोमा किया हो या फिर सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी चल रही हो। तो दोस्तों आप क्या करना, जैसे कि मैं आप नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अभी आपको कॉल लगाना है वहाँ पे। जब आप कॉल लगाओगे कि मैम अभी वैकेंसी है क्या, आपको क्वालिफिकेशन पूछेगा तो बता देना कि मेरा ITI या फिर डिप्लोमा जो भी आपका क्वालिफिकेशन है बता देना, तो वो बोलेगा वैकेंसी है, तो फिर बोलेगा रिज्यूम सेंड कर दो, तो रिज्यूम सेंड कर देना उनके व्हाट्सएप पे। नहीं तो दोस्तों आपको क्या करना है, अगर बोला वैकेंसी नहीं है तो आपसे आपको 10 से 15 दिन बाद फिर से आपको वहाँ पे उनको कॉल लगाना है और बोलना पूछना है फिर से कि मैं भाई वैकेंसी चल रही है कि नहीं। इसी तरह से दोस्तों जब भी वहाँ पे वैकेंसी आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आती है वहाँ पे आपको आराम से जॉब लगी जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था दोस्तों, तो सोचा क्यों आप लोगों को बता दें। बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। तब तक के लिए।